पढ़ने का पूरा पूरा हक है, ना सिर्फ अपने घरों के बच्चों को पढ़ाओ बल्कि बच्चियों को भी पूरी तरह से तालीम दो। तो आप इसका शुरुआत करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एग्जामी की शुरुआत। मैं उम्मीद करता हूँ कि खामोशी से बैठ के आप एग्जामी को सुनेंगे समझेंगे, खासतौर से स्टूडेंट जो आगे बैठे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, थोड़ा आवाज बंद करो। सरस्वती दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रि के दिन उसे पूजा जाता है। लंका क्या हो गया कि आज अपने अस्थि की लड़ाई लड़ रही है, अपने जीवन की भीख मांग रही है। बेटी तो हर घर की शान है, बेटी घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटी के सम्मान में हम एक नाटक दिखाने जा रहे हैं, उसका सेवक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुन्ना मीरा, तुमने मुन्ना को देखा है क्या? सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया, स्कूल के लिए तैयार करना है। नहीं माँ, नहीं माँ, मैंने मुन्ना को नहीं देखा है। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही थी और मुझे भी पढ़ना बहुत शौक है, मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दो ना माँ। तुझे पढ़ लिख कर बस कलेक्टर नहीं बनना है, बर्तन साफ कर। नहीं माँ जी नहीं, उसको भी पढ़ने का हक है, वो भी पढ़ सकती है। ए तू चुप कर। अरे क्या हो रहा है, कौन कितनी ज्यादा ही संभाल रहे, और हमारी मीरा भी क्यों रो रही? देखो ना डॉक्टर दीदी, मुझे राजू जी ने स्कूल पढ़ना मना किया, बोल रहे सिर्फ लड़के ही स्कूल पढ़ेंगे, तुम्हें तो बड़ी होकर छुरा चौपट ही तो संभालना है। नमस्ते राजू जी। हाँ नमस्ते, आपका इस वक्त आना हुआ? यहाँ तो बहुत गलत बात है, क्या आपको नहीं लगता हम लड़के अभी आगे बढ़े, समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, अब किस दुनिया में हम 21वीं सदी में जी रहे। मैं कॉलेज टीचर दीदी से कह के बात करती हूँ, मीरा को दाखिला कराती हूँ। हाँ जा जा उसकी अम्मा से ही पूछो। आइए आइए डॉक्टर दीदी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं तो मुन्ना के काम से आई थी, मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया क्या? नहीं अभी नहीं दिया उसने, स्कूल छोड़ते समय मैं पोलियो ड्रॉप दे दूंगी। मीरा ओ मीरा, तुम रोना मत, तुम जरूर स्कूल जाओगे और मेरी तरह अच्छी डॉक्टर बनोगी। बहू ए बहू, एक गिलास पानी ला दो। जी बहू जी लाई। आज के अखबार में बेटियों की अच्छी अच्छी कविता लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ हाँ हमको भी सुनाओ, कौन सी अच्छी अच्छी कविता है? बेटी कहती बेटी बाल प्रसाद मुझे चाहिए प्यार दुला, बेटी की अंधे की क्यों करता है निश्चित संस्था, छोटो जरा हमारे भी बता सकोगे घर परिवार, जब दो जंग मेहमान आओ तो जन्म किसके पाओगे, बहना होगी घर आंगन में किसे रूठोगी किसे मनाओगी, दादी नानी ना होगी कहानी कौन सुनाएगा, कौन बेटी की घर में बेटी घर में ना हो तो लाल किसको जिताओगी। हाँ तो सच्ची लगी मुझे नहीं है पसंद, बहुत बेकार कविता थी। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी। नमस्ते नमस्ते, क्या हो बड़े दिन बाद दिखाई दिए? हाँ मैं दो चार दिनों के लिए बाहर गई हुई थी इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। वैसे डॉक्टर दीदी ने बताया आपने मीरा का अभी तक दाखिला ही नहीं कराया। क्योंकि हमारी माँ जी मना कर रहे, बोले इस घर में लड़कियाँ नहीं पढ़ती। अरे मीरा तो बहुत होनहार छात्र है, हमेशा अच्छे अंक लाती है, कहाँ है आपकी माँ जी बताइए हमें, हम उनसे बात करते हैं। हमारी माँ जी वहाँ आंगन में बैठती है। प्रणाम माँ जी।
प्रणाम दादाजी। प्रणाम, आपका इतना सुबह सुबह आना हुआ। हाँ, मीरा को आपने अभी तक बर्तन नहीं धुला रहा है। नहीं, स्कूल नहीं भेजेंगी? नहीं, हमने मीरा का दाखिला नहीं करवाया है। पर क्यों नहीं कराया है? हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती है, सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं। पर मीरा को भी हक है पढ़ने का, वो भी पढ़ सकती है। और पढ़ाओ लड़की को, और पढ़ाओ। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई है। हाँ, जाओ जाओ, उसकी अम्मा से ही पूछो। अरे आप तो सोचिए, मीरा को कम से कम 10वीं तक तो पढ़ाइए, आगे की पढ़ाई हम बाद में भी देख सकते हैं। इस घर में तो मेरी कोई चिंता नहीं है, मगर मैं जरूर पढ़ाऊंगी अपनी बेटी को। मैं नहीं पढ़ी, मगर अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कल मैं उसे लेने आती हूँ, आप उसे तैयार रखिएगा। ठीक है। क्यों दादाजी, मैंने सही कहा ना? ठीक बोली बेटी, मैं भी कब से इसको यही समझा रहा था। ठीक है दादाजी, प्रणाम। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अपनी मीरा बेटी भी खूब पढ़ेगी। हाँ हाँ, हमारी मीरा बिटिया भी पढ़ेगी और खूब पढ़ेगी। जन्म जन्म का नारा है, जन्म जन्म का नारा है, बेटी को पढ़ाना है। जन्म जन्म का नारा है, बेटी को पढ़ाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। माइक माइक। इंदिरा गांधी ये देश की पहली प्राइम मिनिस्टर थी। कल्पना चावला, इनका बचपन का ही सपना था कि ये अंतरिक्ष में जाए, और ये बड़ी होकर अंतरिक्ष में ही चली गई। सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए पाठशाला खोली थी। किरण मेहदी ये देश की लड़कियों में पहली पुलिस इंस्पेक्टर थी। अगर आपके मन में भी यही भावना हो तो आप इसे बढ़ाइए, और आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए, आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। थैंक यू। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से ही उड़ान होती है। सो नाउ आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, ये जो